Morning, dear sir. Morning, dear sir. Good morning, dear sir. Morning, dear sir. Thank you so much. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के कार्यक्रम संचालक हमारे धनेश्वर सर के लिए एक बार जोरदार ताली। और हमें समय अभाव के कारण से हमें समय का मेंटेनेंस करना चाहिए और इस 5 मिनट को मैं सही सदुपयोग करूंगा आप लोगों के बीच। और इसी तरह से हमारे आगरा लीडर सब रामेश्वर सर लगाए थे यहाँ पर जितने भी उपस्थित आज के ग्रेट से ग्रेट लीडर और हमारे इस कंपनी का फाउंडर सीईओ डॉक्टर दातो लिम्सो जी और मेरा स्पॉन्सर विनोद मंडल सर ग्रेट लीडर मिस्टर कामेश्वर सर सर लगाए संपूर्ण आप यहाँ पर मिस मैडम और हमारे ग्रेट सर सब के लिए एक बार जोरदार ताली। और यहाँ पर हमारे ग्रेट गुरु प्रताप खरे सर जो कि बहुत ही पॉइंटली बात कह गए है कि हम लोग यहाँ पर बहुत मोटिवेशन सुनते हैं बहुत सारा ज्ञान लेते हैं लेकिन रिएक्शन यहाँ पर निकल जाते हैं जब रूम पे जाते हैं तो रूम पे इससे भी बड़ा गुरु सब होता है हमारा। जब वो गुरु कह देते हैं कि भाई साहब आप नहीं कर सकते तो हम कहते सही हम नहीं कर सकते यही कारण है यहाँ से हम एकदम चार्ज होके जाते हैं और जो बड़ा गुरु जो हमारे रूम पे बैठे है एक शब्द बोलते हम डिस्चार्ज होते हैं। तो सबसे पहले आपको तो इस चीज को सुधार करना पड़ेगा कि अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा आपको। खुदा कहते हैं कि उदास मत हो मैं तेरा साथ हूँ साथ नहीं तो आस पास हूँ तुम अपना पलकों को बंद कर और मुझे याद कर मैं और कोई नहीं तेरा विश्वास हूँ। तो सबसे पहले अपने आप को विश्वास करिए अगर अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। और डिएक्शन में जीतने के लिए दो तीन चीज को आपको नोट करना पड़ेगा क्या चीज है मैंने पॉइंट तो बहुत सारा सोचा था लेकिन दो तीन चीज के डिएक्शन में सक्सेस होने के लिए हम लोग सब आदमी साइट पे ड्यूटी करना पड़ता है नहीं सर हर आदमी जाते हम साइट पे ड्यूटी करना पड़ता है साइट का टेंशन फिर रूम पे आते हैं हमारा खाना बनाना और खाने का टेंशन होता है मार्केट जाने का टेंशन फिर घर पे अगर फोन कर दिया तो बच्चे का फीस भरना है वो बिल का टेंशन बहुत सारा टेंशन और कमाई में बहुत कम इसके वजह से हम लोग बहुत तनाव में पड़ जाते हैं है कि नहीं। और डिएक्शन एक शिखर पे चलना समान है यानी हम लोग छोटा मोटा घर नहीं बना रहे हमारे डबल डायमंड प्रताप खरे सरकार कि चांद को छूने का भी हमारा अभियान है और एक न एक दिन अवश्य छू सकते हैं। तो आपको अगर रिएक्शन में सक्सेस होना है तो मैं एक ही टिप्स बताऊंगा शाम को 6 बजे के बाद आपका फोरमैन कितना सताया वो टेंशन आपको खाना क्या खाना और क्या बनाना है वो टेंशन और घर पे क्या चाहिए वो सब को टेंशन त्याग करके सिर्फ रिएक्शन में कैसे डायमंड बनना अगर यही सोचते हैं तो बहुत जल्दी सब सफल हो सकते हैं यहाँ से। और मैंने यही चीज है जो कि मैंने सिर्फ बात नहीं करता हमारे सर ने कहा था कि साइलेंस ही टैलेंट होता है और टैलेंट ही सफलता होता है ये हकीकत बात है। मैं हमेशा अपने आप से साइलेंस करता हूँ मैं दूसरे से नहीं क्योंकि मैं अपने आप को कहता हूँ तुम बहुत किया दूसरा का गुलामी बहुत सुन लिया दूसरा का बात अब तुम्हें आजाद होना है तो किसी का नहीं सुनना है सिर्फ अपना मन का सुनना है और आगे बढ़ना है। और मैंने ही इसी तरह से मैं फॉलो किया दिन रात मैंने इन्वेस्ट करते रहा अपना टीम पर और मैं खाने पीने का ठिकाना सोने का ठिकाना ये सब कुछ को भूल करके काम करते गया। हमारे सर ने कहा कि 1 साल में डायमंड बने मैं सिर्फ 10 महीने में डायमंड बना सर खुश तो होगा मेरे में। यही चीज है जो अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझना होता है कहते हैं जो व्यक्ति रन में हार गया है ना तो प्रैक्टिस करके फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हार जाएगा तो जिंदगी में कभी नहीं जीत सकता। तो मन से कभी भी स्ट्रॉन्ग रखिए और आगे बढ़िए रिएक्शन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देता है लेकिन इसके अलावा और कुछ भी है जो मेरे को मिला है और आप सबको मिला है और जो मिलने वाला है जो आज ज्वाइनिंग नहीं किए वो लोग भी आए यहाँ पर मिलने वाला हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के अलावा क्या चीज है कि आज हमें एक अच्छा संस्कार मिला हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे पढ़े लिखे लोग कुछ ज्ञान गुण पा सकते हैं लेकिन हम पढ़े लिखे ना होने के वजह से हमारे जो संस्कार का कमी था हम घमंडी होके बाहर चलते थे लेकिन आज रिएक्शन और रिएक्शन के लीडर से ऐसे संस्कार मिला कि शायद हमारे आगे दुश्मन भी खड़ा हो जाए तो आधा घंटा के अंदर उसको दोस्त बना सकते हैं हम।
है कि नहीं। आज हमें एक शिक्षा मिला रिएक्शन से, सिर्फ व्यक्ति नहीं, आज स्टेज पर बोल रहे हम लोग। कल तक हम दो आदमी के बीच बोलने का लायक नहीं, आज स्टेज पे लाखों आदमी के बीच, हजारों आदमी के बीच बोलने का कैपेसिटी बनाया। ये शिक्षा कहाँ से मिला? रिएक्शन से मिला, है कि नहीं सर? कल तक, और तीसरा चीज होता है, क्योंकि कल तक हमें कंपनी में वैल्यू नहीं था, हमारे कंपनी में या हमारे गाँव में हमारे दोस्त नहीं पहचान पाते थे। आज कम से कम रिएक्शन में जो अवध हुए, जो रिएक्शन में ज्वाइनिंग हुए, कम से कम 200 देश में आज हमारा पहचान है, वो भी सिर्फ रिएक्शन से मिला हमें, है कि नहीं सर? तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, मैं तो शायरी ज्यादा देता हूँ, लेकिन शायरी में ये शायरी नहीं, अपना जीवन पे चीज आना चाहिए। कहते हैं बहुत आदमी, हम जब बताने जाते हैं तो बात सुनना पड़ता है, हमें गाली सुनना पड़ता है, वो गाली नहीं, एक ही चीज सोचना हमें कि हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख, तुझसे मेरे हौसले बढ़े हैं, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो आज के मैं दोस्तों हम यही पसंद करते हुए, मैं सर्वे को बहुत वैल्यू देना पड़ता है और समय ही सबसे बड़ा बलवान है। तो आज का इतना ही कहते हुए मैं संपूर्ण हमारे ग्रेट सर को और हमारे सर को जो हमें मौका दिया, तो सभी को थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एक्शन।